मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। लगातार 4 बार से देश में स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर में बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। कोरोना काल में गरीबों के हमदर्द के रूप में सामने आए एक्टर सोनू सूद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें बेसहारा बुजुर्गों को शहर से बाहर निकाला जा रहा था। मैं इन सभी लोगों की मदद करना चाहता हूं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना के लिए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर की ये घटना इंसानियत पर कलंक है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार करने वाले 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक अधिकारी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नगर निगम की रिमूवल गाड़ी में कुछ बेसहारा बुजुर्गों को जानवरों की तरह भरकर शहर से बाहर छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा था। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शनिवार को बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा जहां 30 अप्रैल से शुरू होगी, वहीं 12वीं बोर्ड का पहला पेपर 1 मई को होगा। पहली बार बोर्ड परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक ली जाएगी। गर्मी के कारण इस बार परीक्षा 1 घंटे पहले शुरू होगी। परीक्षा के दौरान अगर कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं तय शेड्यूल पर ही होंगी। रेगुलर परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं उनके स्कूल एवं स्वाध्यायी छात्रों की उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर संचालित की जाएगी। जरूरत पड़ने पर प्रैक्टिकल परीक्षा छुट्टी के दिनों में भी आयोजित की जा सकेगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में सुबह 7:30 बजे पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में सुबह 7:45 बजे के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। ईदगाह, हलाली डैम, लाल घाटी के बाद अब भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने मिंटो हॉल का नाम बदलने की इच्छा जताते हुए कहा कि कई महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते ही मेरे मन में विचार आया कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, यह स्थान भोपाल का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। इस जगह का नाम मिंटो सभागृह नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि इस जगह का नाम सुभाष चंद्र बोस के ऊपर होना चाहिए। इस बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। उज्जैन के चिमनगंज मंडी पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए दुर्लभ प्रजाति के सांप के साथ 4 तस्करों को पकड़ा है। सांप तस्कर में से एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दरअसल कुछ दिन पूर्व बाघ की खाल के साथ कुछ लोगों को उन्हेल में पकड़ा गया था। उन्हीं की सूचना पर उज्जैन की चिमनगंज मंडी पुलिस ने आगर रोड के कार्मल स्कूल के पास दबिश देकर हार्डवेयर व्यापारी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 1-2 मुहा सांप बरामद हुआ है। सांप 4 फीट लंबा और 3 किलो वजनी है। वहीं दबिश के दौरान एक आरोपी फरार हो गया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि उन्हेल से हार्डवेयर दुकान संचालक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अवसर पर कांग्रेस नेताओं द्वारा रामधुन को गाया गया। वहीं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि आज वह काला दिन है जिस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और नाथूराम गोडसे इस देश में पैदा हुआ। बीजेपी का यह दोहरा रूप है कि एक तरफ महात्मा गांधी जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का ग्वालियर में मंदिर बनाया जा रहा है।